بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل जीम सुर आल इमरान आयत नंबर एक सौ तेईस मोहतरम इस्लाम की हिस्ट्री से नावाकिफियत मुसलमान को नाम का मुसलमान बनाकर रख दिया है इस्लामी तारीख कुर्बानियों से भरी पड़ी है और ऐसी कि उन उनबानियों को अल्लाह तबारक इतना बुलंद दर्जा अता फरमाया कि उन उनबानियों के नतीजे में ही इस्लाम ताकाम हो गया मुसलमान दुनिया भर में फैले और अल्लाह के नाम लेने वाले क़ियामत तक उन नमतों को पाएंगे जिनकी कुर्बानियों की वजह से अल्लाह ताला ने उम्मत महम्मया को अता किया है आज सत्रह मुबारक, आज के तारीख़ी दिन जो चंग बदर हुई है उसकी फजीलत और अहमियत के ताल्लुक से सिर्फ इतना जान लीजिए कि ये दो हिजरी में जंग हुई है मुबारक के मुकदस महीने में जबकि सत्रह तारीख़ थी और 13 मार्च 624 सौ ईसवी और यही दो हिजरी है जिसमें मुबारक के रोजे उम्मत मोहम्मदिया पर फ़र्ज किए गए जैसा कि पिछली उम्मतों पर थे। यानी मतलब ये हुआ कि पहले ही मुबारक में इतना बड़ा मारका हुआ है इतनी बड़ी जंग हुई है कि उस जंग में कुफार गुरूर के नशे में ऐसे चूर थे कि बड़े बड़े सरदारान खुराश बज़ात खुद इस जंग में आ गए इधर मुसलमान निहते कमजोर तोड़े सिर्फ तीन सौ तेरह और कुफार की तदाद के ताल्लुक से हजार तक आया है लेकिन नौ सौ पचास भी बताए गए हैं इधर मुसलमानों के पास सिर्फ दो घोड़े और सत्तर ऊंट कुफार के पास सौ घोड़े और एक सौ सत्तर ऊंट मुसलमानों की तैदाद के हिसाब से भी कई लोग सिर्फ हाथों से इस जंग में हिस्सा लिए हैं मोहतरम कुफार की तरफ अबू चहल जैसा सरगना और उसी की क्यादत में यह जंग हो रही है उमैया बिन फल्फ वो बड़ा सरदार जो बिलाल हबशी रवी अल्लातायाजाब पर अजाब दिया और तो जैसा बदतरीन दुश्मन दुश्मन इस्लाम वो सरदार बनकर आया है और इधर हजू अक्रम नबी मुकरम सल्ला वसलम की सरपरस्ती में सिर्फ तीन सौ तेरह का एक काफिला है और उस मुकदस काफिले में वो हस्ियाँ भी हैं जिनके नाम से शैतान भी भागता भाग था। जाता था सईदना उमर खत्ताब रजी अल्लाह तू भी इस काफिले में है अमीर उमोमिन सईदना अबू बकर भी हैं और वो अजीम हस्ती है जिनके रोब दबदबे का सिक्का पूरे अरब मानते और जानते थे हजरत हमजा फ रजी अल्लाह तआला जो हुजूर अकरम नबी मुकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि के चचा हैं और फिर इस मुजाहिदीन के लश्कर में वो अजीम मरतबत हस्ती है जिसे असदुल्लाह गालिब अल्लाह का शेर का लखब मिला है अमीरुल मोमिनीन سيدنا अली करम अल्लाह वचाहू बि मोहतरम मदीने तैबा से 110 किलोमीटर जुनब मगरब में बदर के कुएं के शरीब नमाज फजर के बाद ये मुकदस जंग होने वाली है और सहाब क़राम राम रजवानल अजमाइन रोज़े की हालत में है जंग के वजुहत इसबाब ये थे कि सरदारान फ्रैश इस्लाम के, के तेज़ी से फैलने की वजह से इंतहा से ज़्यादा नफ़रत का शिकार हो गए और इस्लाम को और बान इस्लाम को बेनिशान करने के लिए मिटाने के लिए पूरी ताकत के साथ मदीन तैयार मदीन तैयबा की तरफ रुख कर रहे थे बदर की तरफ आने वाले थे तो हज़ू अक्रम नबी मुक्रम सम को इतला मिली आप तमाम असाबिक्राम को लिए मुशावरत की मजली से मुशावरत बुलाई और इस्लाम के खिलाफ ऐसे बड़े खतरे से निपटने के लिए सबसे तजावीज़ और राय तलब किए हालात इंतहाई सख्तरीन थे इंतहाई आजमाइशी थे मुसलमान इंतहाई नेहत्ता और बज़ाहिर कमजोर मैंने आपके सामने सूरह आले इमरान की आयत नंबर एक सौ तेईस की तिलावत का शरफ हासिल किया जिसमें भी अल्लाह तबारक तआला यही इरशाद फरमा रहे हैं कि और अल्लाह ने तो तुम्हारी मदद जंग बदर में भी की जबकि तुम नहायत ही कमजोर थे बस अल्लाह ही से डरते रहो न किसी और से ताकि तुम्हें शुक्रगुजारी की तौफीक हो अब इस वाज कलाम के बाद भी मालूम हो जाता है कि मुसलमान इंतहाई कमजोरी की हालत में थे वैसे इंसानी तारीख बताती है कि अम्बिया कराम और अम्बिया कराम के हवारे असाब हमेशा दुनियावी साजो सामान के अतबार से कमजोर रहे हैं जब जब हक़ और बातिल की जंग हुई है उस वक्त हक़ परस्त हमेशा बाहर साजो सामान नहीं और हथियार नहीं लेकिन अल्लाह के नाम से अल्लाह के लिए लड़े और बड़े बड़े काफिलों के जाम, गुरूर को मल्यामित कर दिया और खात में मिला दिया ये मौका भी चूंकि इस्लाम की पहली जंग बड़ी जंग है इस जंग के ताल्लुक से कुरान में जैसा कि मैंने आपके सामने पहले भी अर्ज किया कि अल्लाह तुन को यौमरान हफ़ और बातिल में फर्क करने वाले दिन से भी याद किया है और इस जंग में जो जो भी अब क्राम शरीक हुए हैं उन्हें बदरी असहाब कहते हैं सारे अहले बदर को अल्लाह तबारक ने खताई जन्नती करार दिया है अशरय मुबशरा यानी हजूर अक्रम नबी मुकरम सल्हुसम जिन दस सहाब कराम अजमाइन को जिनमें चार खुलफा राशिद् अव्वल शामिल हैं दस के दस को ख़ही जन्नती करार दिया था उसके बाद पूरी उम्म में पूरे साहब क्राम रजवान अजमाइन ने अशरय मुबरा के बाद अगर कोई अजमत वाले हैं फजीलत वाले हैं बहुत ज्यादा तरजे वाले हैं असाबर तो है तीन सौ तेरह ये हैं और एक सईदुना जंग में शरीक नहीं रहे, नहीं रहे आपके जोज मुहतरमा बी रखिया रजी तन जो हजूर अकरम सल्हम के दुख्तर बुलंद अख्तर है शदीद अलील थे और जंग के दौरान ही आपका विसाल मुबारक हो गया तीन दिन के बाद हजूकम सल्लाम आए और हजरत ऊस्मान गनी रजी तन को भी उसमें मिले हुए मालय गनीमत में से हिस्सा भी दिया और आपको उन्हीं असहाब में काउंट किया अलगरस ये बहुत ही संगीन तरीन हालात थे आप हम नहीं समझ सकते पिक्चर और सीरियल देखने वाले हकीकत का सामना जो कभी नहीं करे हैं ना जिंदगी में वैसे मौके आते हैं वो लोग इतने सख्त तरीन हालात वो भी रोजे की हालत में और कोई हथियार नहीं ऐसे हालात में इंतहाई बड़े बड़े दुश्मनों के साथ नबरत आजमा होना मुसाबिल में आ जाना लड़ना

अंसार जो मदीने में रहने वाले थे जो हजूर अक्रम सला वसलम का अकीदत और महब्बत के साथ जान निसारी के साथ इस्तेकबाल किया था अपना सब कुछ दिया था रहने के लिए और बड़ी मदद की थी वो उनमें से एक सहाबी हजरत साद बिन उबादा रजाल तहु अर्ज किए कि शायद आपका इशारा हमारी तरफ है तो हजूर अक्रम सम कि हाँ हाँ तो फिर उसके बाद हजरत साद बिन बात रजी अल्लाह तुमुर नबी मकर से जो अर्ज किए जो चांद निशारी का आहद करे जो फिदाकारी के अल्फाज हैं वो बड़े ख़ास हैं कि वो आपने कहा कि अरे के रसुल्ला हम आप पर ईमान लाए हैं आपकी तस्दी है हमने गवाही दी कि आप पर जो वही होती है अल्लाह का आखिरी कलाम है आखिरी किताब है आपकी इतात और फर्माबरदारी का भी हमने पक्का आहद किया है या रसोल्ला उस जात की जिसके खुदरत में हमारी जान है जिसको आप, जिसने आपको हक के साथ मबूस किया है या रसुल्ला अगर आप हमको समंदर में कूद जाने का दे, तो हम ये नहीं देखेंगे आप समंदर में कूदने का दे। हम बिला, तामुल, बिला ताखिर कूद पड़ेंगे और अगर हम में से एक शख्स भी इस मामले में आपकी उदुल हुक्म नहीं करेगा और पूरे के पूरे कूद पड़ेंगे या अल्लाह अगर आप हमें हुक्म दें तो हम बर के केमात तक जाने का जाने के लिए भी तैयार हैं वहाँ तक भी पहुँच जाएंगे यानि साहब कर हालात की संगीनी को देखते हुए हजूर नबी को जान निसारी के जरिए इतमान दिला रहे थे इसी दौरान एक सहाबी हजरत रजी मकदार रजील अर्ज़ किए कि या रसल्ला हम मूसा की उम्मत की तरह नहीं है कि आप और आपका खुदा लड़े बल्कि हम तो यहाँ बैठे हैं बल्कि अगर हम आपके दाएं से बाएं से आगे से पीछे से आपके साथ लड़ते जाएंगे बस आप हु दीजिए और हम आपके हुक्म की ताबेदारी करेंगे ऐसा सारे नबी मुकर अपनी जाने फिदा करने का अहद करते रहे हाजरीन मोहतरम पदर के वाक के तालु से सही मुस्लिम में हजरत अनस बिन मालिक रजील से हदीस आई है उस वाके का जिक्र यूँ किया गया है कि अबू सफियान की आमद का पता चलते ही फजूर अकरम नबी मकरम सल्ला वसलम सबको जमा किए फिर बदर की तरफ कूच किया बदर के मैदान में गए बदर के कुएं की तरफ पहुँचे हत्या के बदर के मकाम पर आप पड़ाव डाल दिए अब उसके बाद सुनिए कि हजूर अक्रम नबी मक्रम सल्ल तसल्म जो इर्शाद फरमा रहे हैं हजूर अक्रम सल्ला वसलम बरफ़त नबी है आपने इर्शाद फरमाया किए मेरे प्यारे साहबों अभी कुफार मैदान बद्र में नहीं आए हैं कुफार मद्दे मुकाबल नहीं है लेकिन देखिए बरहक नबी होने का गैब का इल्म रखते हैं अल्लाह आपको बता रहा है जंग के वाके के बाद की बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताने वाले हैं इसीलिए एक सच्चे मोमिन की यह निशानी है कि जात के जात की हर बात पर ब्लैंडली ईमान होना चाहिए अगर आदमी जिस पर ईमान लाया है जिससे मोहब्बत करता है उसके ताल्लुक से अंधा नहीं हुआ बहरा नहीं हुआ तो यकीन जानिए कि उसका ईमान थूक है। यह वो मुबारक ख़सियां हैं हयात तयबा में आप पर ईमान लाकर जन्नत को पा लिया है जन्नत बनाने वाले को पा लेने वाले हैं अब ये हस् के सामने अल्लाह के सल्लल्लाहु इरशाद फरमा रहे हैं मैदान बद्र में है और मैदान का सर्वे करके आप जगह की निशानदही करते हुए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि यहां फुला काफिर फिर होगा यहां अबू जहल मरेगा यहाँ पर उतबा मरेगा बिन बल्फिया मरेगा अल्लाह के यहां वो एहसास करते हुए बताए और रिवायत में आया है कि अकरम नबी अलैहि वसल्लम जो जो मकाम पर जिन जिन काफिरों के फतल होने की निशानदेही की थी अल्लाह रबालमीन रहमत की, की लाज रखी कि जरा भी एक काफिर इधर का उथर नहीं हुआ जिस जगह पर अबू चहल के मरने की निशानदही की गई थी वहीं पर मरा उद्बाद जहां मरने की निशानदेही की गई थी वहीं पर मरा उमैया बिन खल्फ जहां पर जहन्नम नम कर दिया जाएगा फदूर अलैहि वसल्लम जो बताए थे तो वहीं पर मरा ये सुभान कितनी बड़ी बात है ये चौदह सौ साल के बाद भी आपके हमारे लिए बड़ा दर्श है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद और गैर मौजूद सबको जानते थे जानते हैं, जानते हैं हैं इस पर ईमान कामिल होना चाहिए जंग होने के बाद मरने वालों की निशानदही करना ये इससे बड़ी आपके नबुव्वत की सदाफत की क्या दलील हो अजीजान मोहतरम ये वो बड़ी जंग है जिसका काफी बड़ा तस्करा है बड़े वाकियात हैं लेकिन आपको बताता चलूं कि इस पूरी जंग में चौदह असहाबिक राम शहादत पाए हैं और सत्तर कुार बहुत बड़े गुरूर में आए थे बहुत जाम में आए थे इस्लाम को मिटाने के और अल्लाह ने उनके गुरूर को निस तो नबूद कर दिया खाक में मिला दिया और आपको जानकर हैरत होगी कि इस जंग में अगर चेहरे हजरत हमजा रजील्ला जैसी रोक दबदबे वाली हस्ती है जिनसे पूरे सरदारा ने सरदारानुरैश कांपते थे हजरत उमर आ जाए तो अबू जहल भी भाग जाएगा ऐसी थी लेकिन अल्लाह सुभान सुबह को पसंद यह था कि इस मारके के असल हीरो इस मारे के, के सबसे बड़े अगर किसी हसी को बनाना था तो वह अमीर उलमोमिन सईदना मुर्तजा शेर खुदा रजी अल्लाह अनु को बनाना था कि सत्तर में से आधे से ज्यादा यानी छत्तीस बड़े कुफार को आप जहन्नुम रसीद किए हैं छत्तीस सरदारों को मारने वाली हस्ती का नाम मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब रजी अल्लाह यही वजह है कि हुजूर अकरम नबी मुकरम सल्लल्लाहु वसल्लम सल्लाशाद फरमाते हैं कि अहले बदर को अल्लाह तेख कर फरमाया कि जो चाहो करो तुम्हारे लिए जन्नत वाजिब हो चुकी है अजीदान मोहतरम मैदान बदर के वास्यात बहुत हैं मुख्तर से ताकि हमें अंदाजा हो कि बुजुर्गान दीन असाब रसूल रोज़े की हालत में फ्रबानी देकर अल्लाह को कैसे पाए हैं एक वाक्य आपके सामने रखता चलूँ उस वक्त जो नौजवान थे उनमें भी जोश ईमानी कितना था उसे देखिए और हम अपने अंदर ईमान की हरारत कितनी है ईमान का जोश कितना है और कितना होना चाहिए ये वहाँ से करें मुजाहिदीन ने बदर के बदर के मैदान में निकले बदर के मैदान की तरफ रवाना हुए तो उनमें एक सहाबी थे जिनका नाम उमैर बिन अभी व था उनकी उम्र सिर्फ सोलह बरस उनकी यह तमन्ना थी जौक था शौक था बल्कि इंतहाई दर्जे का वलवला था कि मैं भी इस जंग में शहीद हो जाऊं क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग से पहले ही बता दिया था कि इस जंग में हिस्सा लेने वालों की यह फजीलत है और जंग में जो शहीद होगा अल्लाह ताला ततर खून जमीन पर गिरने से पहले ही अपने दीदार से भी मुशरफ कर देगा और जन्नत अता कर देगा तो अब देखिए सोलह बरस की उम्र है फजूक्रम नबी मुकरम सल्ला काफिला मदीने से एक सौ दस किलोमीटर दूर बदर की तरफ रवाना हुआ है और काफिले में उमैर बिन अभी रजी अल्लाह बका रजील है सोलह बरस की और वो सफर के दौरान पूरे पूरी कोशिश यही थी कि किसी भी तरह फजूक्रम की नजर मुबारक में ना आऊं ताकि वो मुझे कम उम्र की वजह से काफ़िले से खारिज ना कर दे छुपते रहे शहादत का जज्बा मुलाहजा फरमाइए छुप रहे हैं वजह यह है कि मुझे कहीं इस काफिले से न निकाल ले तो चुनाचे रास्ते में आप बचते रहे बचते रहे तो आपके भाई सईद बिन अभी भी खास रजी अल्लाह तहु ने उनसे पूछा कि तुम यू क्यों छुप रहे हो तो हजरत रजी ओम रजील्ला अर्ज किए कि मुझे डर है कि हजूकम सल्ला कम उम्र की वजह से मुझे इस मुकदस काफिले से शारिज ना करते तो चुनाचे हुआ भी ऐसे ही कि

आप बदर के मैदान में शरीक हो गए अजीदा मोहतरम इस जंग में मोमिन का जोश ईमानी तेफरे से ताल्लुक रखता था हर सहाबी की यही तमन्ना थी कि अल्लाह को तो राजी कर ले और इस बड़े जंग में हिस्सा लेकर जाम शहादत नोश कर ले जब हजूर अकरम सल अल्लाह तशवरा कर रहे हैं यह जंग बदर होने वाली है उस मशवरे की तला एक सहाबी को मिली उमर बिन जाम रजी अल्लाह तुम को जो खजूर खाते बैठे थे उन्होंने जब रजूर अक्रम सलाम का ये ऐलान सुना कि आज के दिन जो शख्स सब्र और इसमा से लड़ेगा और पीठ फेर कर नहीं भागेगा वो वकी जन्नत में दाखिल होगा ये सुनना था खजरों को फेंक दिया और फरमाया वाह वा, मेरे और जन्नत के दरमियान में इतना वफा है कि ये लोग मुझको कतल कर दें ये कहकर इतनी बहादुरी से लड़े कि शहीद हो गए और चंद लम्हों में जन्नत का फासला कर लिया ये बदर का मौसा, बदर की दिल को दहला देने वाले हैं और उसके साथ, साथ नबी पर के ऐसे से भरे पड़े हैं के हमें अफसोस होता है अपने हालों पर हम अपने ईमानों को ठंडे पर ठंडा करते जा रहे मैदान काम है बदर का मैदान जंग हो रही है बड़े बड़े कुफ् मद्दे मुकाबले आ रहे हैं और चार कमांडर को खजूर अक्रम सल मुखर कर दिए हजरत कर सिद्दीक उमर फारूक अब देखिए जंग हो रही है और मगरों के अल्लाह तथ में मिलाना है लोहे के लिबास पहनने के बावजूद कट कट कर घिर रहे हैं इस हंगामे में अंसार के दो कमसिन बच्चे बहुत ही छोटे हैं वो भी इधर उधर छुपते छुपते आए और उस दौरान में उन दो नौजवानों का नाम है एक का नाम माज बिन उमर और माज बिन अफ़र ये दोनों हंसिया हरतें अब्दुलरहमान बिन औफ रजी रजील तुम के करीब आए और आके उन्होंने कहा कि ये जो कुफ़ार आए हैं चाचा इनमें अबू जहल को आप पहचानते हैं वो परेशान हुए कि तुम बच्चे लोग हैं तुम लोग क्या करने वाले हैं तो वो दोनों नौजवान ने कहा कि चाचा आप सिर्फ हमें बताइए कि इस पूरे काफिले में अबू जहल कौन है क्योंकि वो हमारे नबी पाक की शान शानदस में गालियां बकता है हम ये सुने हैं उस पाक की ससम जिसके में अगर मैं उसको देख लूं तो उस वक्त तक उससे जुदा ना होगा जब तक कि वो मर ना जाए या फिर हम दोनों में से कोई शहीद ना हो जाए इतफाफ की बात थी कि उसी दौरान अबू जहल सामने से गुजरा हजरत अब्दुलरहमान बिन औफ रजी अल्लाह तुम इशारा करके दोनों भाइयों को बताया कि जिन जिस बड़े दुश्मन की ताक में तुम हैं यही वो है अबू चहल ये बताना था उसके बाद दोनों भाई निकले सब देखते रहे लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि अबू जहल जैसे बड़े दुश्मन इस्लाम को मारने वाले यही दो भाई हैं लेकिन जोश है ईमानी को देखिए जो ही सुना एक भाई गया अबू जहल के घोड़े की टांग पर मारकर तलवार घोड़े को जख्मी कर दिया घोड़ा जख्मी हो गया दूसरा भाई गया अबू जहल के पैर पर मारा उसका पैर गिर गया और उसके बाद अबू जहल भी गिर गया उसी दौरान अबू जहल के बेटे हजरत इकरिमा रजी अल्लाह जो उस वक्त तक भी ईमान नहीं लाए उस वक्त तक भी ईमान नहीं लाए अब देखिए मामला क्या होता है कि अबू चहल के बेटे ये जब मंजर देखे कि बाप पर हमला हो गया है बाप नीचे गिर गए इकरिमा आए मास बिनर उमर के कंधे पर वार किया तो उनका पूरा एक बाजू लटक गया थोड़े से गोश पर लटक गया ये कैफियत देखी तो हजरत मास एक हाथ से जंग लड़ने लगे एक हाथ से जंग लड़ने लगे उसके बाद जंग के दौरान हमला करने के लिए ये जो हाथ में टक रहा था ये रुकावट बना तो अपने ही पैरों में लिया और उसे पैर से खींचकर अपने बदन से जुदा कर दिया और उसके बाद मारते गए और उसी दौरान हजरत अब्दुल्ला अबिन मऊद रजी अल्लाह तुम आए और आकर अबू जहल पर आखिरी वार किया और दुश्मन के इस्लाम के बड़े दुश्मन को जहन्नम रसीद कर दिया अलीदान मोहतरम ये जितने वाकियात हैं अभी बहुत से वाकियात हैं बदर के मैदान में ऐसे आशिखाना ऐसे जान मिसारी के वाकत हुए हैं कि अगर हम सुनते हैं तो अंदाज़ा आप सोचिए कि रोजे की हालत में किसी का हाथ का लटक जाना कट के पूरी तरफ भी नहीं कटा फिर उस नौजवान की जरूरत उसके जोश ईमानी पर क्या कहें हम बताइए कि अपने ही पैरों में उसे दबोच कर छींच कर निकाल दिए क्यों वह जंग लड़ने में रुकावट बन रहा था ये मामूली बात नहीं जो मामूली सी फुंसी हो जाने पर परेशान हो जाते हैं एक इंजेक्शन की सुई लगाने के लिए आऊ करने वाला आज का इंसान क्या समझेगा ये बदर का बदर की जंग इस्लाम की पहली बड़ी फजीलत वाली जंग ऐसी बड़ी जंग इसमें अल्लाह सुबहान तला ने सारे साहब कलाम रिजवान अजमैन को बुलंद दर्जा दिए अब आप देखिएगा सत्तर के सत्तर बड़े सरदारों का मर जाना ये यानी उनकी सोच को मार दिया गया इतने मरूब हो गए हालांकि फिर उसके बाद चंगे भी थोड़े ही अरसे के बाद और जंगे हुई लेकिन ये जंग ताबूत में बहुत बड़ा खील बनी दुश्मनों के रोप को दबजबे को गुरूर को मल्यामित करने में यह जंग बहुत बड़ा कलीदी रोल अदा करी है तो ये जंग जितने भी होते हैं हफ और बातिल का फैसला करने वाले होते हैं जंग बदर तो अल्लाह तबारको तला इशात फरमा रहा है कि तुम कमजोर थे ऐसी हालत में हम मदद किए तो रिवायतों में आया है कि कुार जो जाम और में थे गुरूर में थे, अल्लाह ताला फरिश्तों को भेजा फरिश्तों को भेजा तो है होकर जाते थे। वो ऐसे जदा हो गए कि अपने घोड़ों पर से औंधे मुंह गिरने लगे तो इतनी बड़ी जगह इसके ताल्लुक से और डिटेल आप पढ़िए जानिए और सोचिए कि हमारा ईमान मुबारक के मुकद्दस महीने में अल्लाह हमारे ईमान को ताज़ा कर रहा है सोए हुए ईमान को जगाता है आमाल खैर की देता है, बुराइयों से बचने की कैपेसिटी अता करता है तो क्या हम मुबारक के बाद फिर से गफलत की नीन सो जाए ग्यारह महीने के तवील अरसे के लिए एक महीने के मुकदस महीने की मुकदस इबादतों के बड़े बड़े सवाल को लूटने के बाद आदमी नहीं ये नहीं हो सकता सोचना चाहिए कि आदमी को अल्लाह तता नहीं फिर अगला मौसम ये इबादतों का मिले या ना मिले फिर मौका मिले या ना मिले उम्र कितनी भी हो आगे कौन सी सूरत हाल पेश आएगी बीमार हो जाए और बिस्तर पर पड़ जाए मजीद दस साल पड़े लेकिन जी कर क्या फ़ायदा नई ना बात नाईबादतना बंदगी तो रमजान मुबारक का ये मुसद्दस महीना और इस मुसद्दस महीने के इस अजीम अजीम शान जंग में शहीद होने वाले शहदाए कराम के शहादत हमें बता रही है कि जान निसारी नबी की जात पर ईमान जत की हर बात पर ईमान लाने के बाद ही मुकम्मल होता है तो अल्लाह तबारक तजल करम से रसूल महदी के सदफ़े से शहदाए बद्र के अरवा मुसद्दसा को अपने दीदार की तजल्लात से सरफराज फरमाए अल्लाह तबारक तआला शहद बदर के सदक़े और तुफैल में हमें भी सही मानों में इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमा इस्लाम के ताल्लुक से जब जान निसारी का मौका आ जाए तो जान माल सब निछावर करने की तौफीक अता फरमा अल्लाह तबारक ताल का लाख लाख एहसान है कि अल्लाह ने इस गुनहगार को भी बदर के उस मुकद्दस मैदान में शहदाय बदर पर लाखों सलाम पढ़ने का अदना सा मौका दिया ये जिंदगी का बहुत ही सुनहरी मौका था कि उन बेईमानों के हाथों में होने के बावजूद चकमा दिया इस फकीर ने और शोहर करके असली मजारात को खोज किया उन्हीं के एक अरब बंदे के जरिए और वो अरब बंदा मुझे तजूर दिया फी सबी ला अल्लाह दिया कहकर जबकि ये बंदा उस वक्त रोजे से था तो वो मुकदस मकाम पर जाने का उस मुकदस मकाम पर जाकर हो गया थोड़ी देर के लिए सोचा कि यहां पर वो हंसियां हुजूर अकरम नबी मुकर्रम मुकरम अलैहि वसल्लम की सरपरस्ती में आए हैं उनके कदम कहां कहाँ पड़े पता नहीं यह गुनागार को यहां पहुंचाया। यहां आना नजात का जरिया बन जाए तो आलमीन, बदर के तुफैल और में, हम तमाम को अपने ईमान में मजबूती अता फरमाए और तक आने वाले को सही मानों में फिदाकारी जान निसारी का सच्चा जज्बा अता फरमाए इबादत और बंदगी की इंतहा को आने वाले इन शहदाय क्राम के सदक़े में हमारी भी मामूली इबादतों को शर्फ अता फरमाए अल्लाह तहदाय क्राम के कोर्स करने की तोफ़ी फरमाए आमीन याबुल आलमीन वसर उदावाना अनिल आलमीन